हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइज, गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए ये वीडियो है। तो अपकमिंग एपिसोड्स में आपको काफ़ी चेंजेस और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स मेजर कहानी में देखने को मिलने वाले हैं। करंट जो ट्रैक है वो सीरियल का ये चल रहा है कि विराट को पता चल जाता है कि सभी उसी की बेटी है, उसी की डॉटर है, बिकॉज जगताप उसे बता देता है। तो गाइज, इसके बाद जो है विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साई को रोक लेता है कि वो सभी को लेकर उससे दूर ना जाए, बिकॉज ऐसे ही वो कई साल पहले विनायक को भी जैसे उससे दूर लेकर चली गई थी। तो इसी करके विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसकी बेटी सभी को साई दूर उससे लेकर ना जाए। तो इसी से शुरू होते हैं नए ट्विस्ट। इसके बाद जो है विराट प्लान करेगा कि वो सभी की कस्टडी ले ले, यानी कि सभी को अपने साथ रख ले, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काफ़ी हैरान भी हो जाता है कि सभी उसकी डॉटर है, उसी की बेटी है। तो वो ये प्लान कर लेता है कि वो सभी की कस्टडी ले ले। लेकिन गाइस, थोड़ी देर बाद उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि सभी इसके साथ, इस फैसले के साथ खुश नहीं है, वो साई के साथ ही रहना चाहती है। तो इस चीज़ को जब विराट रियलाइज़ कर लेता है तो वो सभी को वापस साई के पास जाने देता है। लेकिन इसी के चलते हुए साई एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देगी विराट के अगेंस्ट। तो गाइस, ये जो पुलिस कंप्लेंट फाइल करेगी उसके कारण विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और विराट एक प्रण ले लेगा कि वो साई की लाइफ को मिजरेबल बना देगा, यानी कि उसकी लाइफ को बहुत बुरी बना देगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। तो इस ट्विस्ट से विराट पूरी तरह साई के अगेंस्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो हमें आने वाले हफ्तों में, महीनों में ही पता चलेगा कि एक्चुअली किस तरह से वो उसकी लाइफ को मिजरेबल बनाएगा। लेकिन गाइज, फैंस की जो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स रही हैं इस शो से, जो कंप्लेंट्स रही हैं, वो इसी रिलेटेड होती हैं कि साई के करेक्टर को शो में अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि वो एक पॉजिटिव करेक्टर है, लेकिन उसके साथ बार बार बुरा सब ही होता है। तो करंट ट्रैक में भी यही हो रहा है, साई के ऑपोजिट सब जा रहा है और विराट अब उसकी लाइफ को मिजरेबल बना रहा है, जबकि फैंस सबसे स्टार्टिंग से यही चाहते आए हैं कि विराट और साई टुगेदर हों और विराट और पाखी टुगेदर ना हों। लेकिन मेकर्स जो हैं वो ऑब्वियसली, उन्हें अच्छी टीआरपी मिल रही है तो वो अपने वे में ही जाएंगे, और इसी ट्रैक से अगर उन्हें और अच्छी टीआरपी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो अपने ही वे में जाएंगे और फैंस की डिमांड्स वगैरह को नहीं सुनेंगे। अगर जो भी आप फैंस हैं और अगर आप शो की कहानी के साथ अनहैप्पी हैं, अगर आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मेकर्स तक, तो सिर्फ ट्वीट्स वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली अगर आप शो को देखना छोड़ेंगे और अगर टीआरपी में डिक्रीज़ वगैरह उन्हें देखने को मिलता है तो वो कुछ फैंस की डिमांड वगैरह सुनेंगे, वरना ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न से ऑब्वियसली उन्हें टीआरपी बढ़ती है उनकी, और उनके लिए ये सब ट्विस्ट्स ही उनके टीआरपी के रीज़न बनते हैं। तो ऑब्वियसली इस करके वो फैंस की नहीं सुनते डिमांड्स वगैरह जो कि आप चाहते होते हैं। एनीवेज, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी साई के साथ अच्छा होगा ही नहीं, पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में मेकर्स आप सब फैंस की सुने, लेकिन फिलहाल के लिए जो है अपकमिंग ट्रैक्स वगैरह में आपको इसी टाइप की कहानी देखने को मिलने वाली है। आपको इंटरेस्टिंग लगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो अपकमिंग ट्रैक्स वगैरह होने वाले हैं, इस तरह की कहानी के साथ सीरियल मूव फॉरवर्ड करने वाला है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस शो के फैंस के साथ, और गुम है किसी के प्यार में और स्टार प्लस की सारी लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। स्टार प्लस और गुम है की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूं, गुड बाय।